आज खाने में क्या है मामा। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया है। हैप्पी बसंत पंचमी और हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी बोलने लगी थी आपने, हम हिंदी वैसे ही बोलते हैं, 26 जनवरी है आज। तो आज बसंत पंचमी है, तो बच्चे कह रहे कुछ अलग बनाओ। मैं क्या अलग बनाऊँ, अभी नहा धो के पूजा पाठ कर ली सबने, तो अभी मैं लगी हूँ क्या बोलते हैं कुछ बनाने, कुछ न्यू रेसिपी बनाने। देखो कैसे बनती है, बनती भी है कि नहीं बनती है पता नहीं, आपको दिखाती हूँ मैं। पहले मैंने आलू चॉप कर लिए हैं ऐसे छिलके के साथ ही, ऐसे मतलब छिलके के साथ ही करने, अच्छे से धो लो न्यू जो आलू आए हैं आजकल। तो आलू लेने हैं हमने, थोड़े ग्राइंड कर लेने थोड़े से। हाँ देखो तो सही। सो गाइस, ये मेरा बैटर जो है रेडी हो गया है। ये मैंने पोटैटो को पानी डाल के ये सारा कर लिया, ये वाइट भी हो गया और ब्लैक भी लग पड़ा होने। तो इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें डालनी है सूजी। पहले चेक कर ना कि अगर पुराना पैकेट हो तो ख़राब भी निकलता है, क्योंकि अभी मेरे पास छानने वाला टाइम नहीं है। मैं देख लेती हूँ, ये तो उस दिन ही बनाया ना मैंने, ये ठीक है अभी तो उस दिन ही बनाना है ही है। तो ये सूजी डाल लेनी है आपने एस्टिमेट से। अब मुझे पता नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ भाई। अभी डाल देंगे हम ब्लैक पेपर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी डाल लेती हूँ, फिर बाद में पता नहीं। ब्लैक पेपर डाल लेती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, सांभर मसाले भी लम्बा मतलब वो है क्या बोलते हैं उसको, किचन किंग मसाला। और ये ना मेरे पास इडली वाला मसाला है, ये भी बड़ा टेस्टी है। पनीर वाला डालो ना, वो बहुत टेस्टी है। पनीर वाला भी डाल देती हूँ और डालो उसको तो। सो अभी हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जितना भी है। तो हल्दी भी मैं डालूंगी ताकि येलो येलो कलर के हो जाए। वैसे डालते नहीं है हल्दी, पर मैं डालूंगी आज, क्योंकि आज बसंत पंचमी है इसलिए हम हल्दी डाल लेंगे ताकि येलो येलो हो जाए। गाइस, मैंने घी डाल दिया देसी, अब मैंने सूजी डाल दी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, पूजा के अकॉर्डिंग ही थोड़ा मुँह मीठा करने के लिए थोड़ा सा ही बना। पीला कलर तो है नहीं मेरे पास, मैं तो हल्दी डालूंगी फिर पीली। क्या कर रही हो क्या? सो गाइस, अभी ये रेड हो चुका, अभी नहीं डालना पानी, रुको जा, नहीं भूलना मैं। जल रहा है ये तो? नहीं जल रहा है, पीला रेड कलर होगा तो अच्छा लगता है, एक एक दाना तो नहीं मिलता है। सो गाइस, अभी हम इसमें डालेंगे पानी। गाइस ये मम्मा का आ गया, बैटर जो है देखो गाढ़ा हो गया, मैंने 10-15 मिनट रख दिया, ये क्या हो गया? अब मैंने इसमें डालना है इनो तो भी डाले जब आपने आप बनाने लगने हैं ना, आपने ये पहले ट्राई करा? मैं सोच रही हूँ कि अलग से थे कुछ भी पकौड़े बना देंगे। सो गाइस देखना, अब इनो डाल देते हैं। ओह माय गॉड, बाकी में भी डालना है। वाओ, इनो बड़े दिनों बाद देखा, इसका पेट ही नहीं खराब हुआ। इनो मैंने हलवा हो गया, येलो कलर का मेरा हलवा बन गया है। अब मैंने डालना है, तो अभी मैं डालूंगी थोड़ी सी राई, मतलब तिल भी डालने चाहिए थोड़े से, अगर आपके पास वो मिर्ची है ना दूसरी, क्या बोलते हैं? मेरा मम पहले पेट खराब है ध्यान से। टेस्टी बनेगा वैसे, आई डोंट नो। जो खुशबू आ रही है दुकान वाली है ना, खुशबू तो आ रही है ना, मुझे लग रहा है लग गया है, मैंने तेल बिल्कुल ज़्यादा सा लगाया है। इतना कम क्यों लगाते हो यार, ऐसे तेल कम ही लगाना होता है। पहला मेरा था, मैं खा लेता हूँ ज़्यादा तेल, पलट दो अब क्या देखी जाएगी। खराब हो गया जी, सुनेड़ो अच्छा सुनेड़ो, समझ आ गया थोड़ा सा मुझे क्या। तो गाइस बन रहे हैं, बट थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गई थी, थोड़े ढीले हो गए थे। अब मैं तो फिर भी खा रहा हूं, अब मेरा वो आ गया परफेक्ट कि कैसे बनाने हैं, दिखाई देते हैं। अब बन गया परफेक्ट, मैंने अच्छा बन गया, मैं जैसी आई मम्मा अच्छा के अच्छे बनने लग पड़े। हां पहले टूटने वाले बन गए, अच्छा आई हुई तो कितना बढ़िया बनाया। हां पहले मोटे वाले बच्चे बने, ये तो मैं आई हूं ना, जैसे मैं एंटर करी किचन में अच्छे बनने लग पड़े। उसने ना मोटे मोटे बनाए थे, बहुत मोटे मोटे, और ऐसे तेल में बनाए। मम्मा ने शुगर फ्री हलवा बनाया, पापा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, मेरे लिए तो बेस्ट है। तेरे लिए चीनी कम डाली है, चल ले प्लेट ले। सो गाइस, ये रहा हमारा
हलवा बसंत और... पंचमी पे क्या है येलो, हाँ, येलो कलर का हलवा, पता नहीं आपको येलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने हल्दी डाली है, येलो हलवा और येलो पूड़े और येलो मेरे कपड़े और येलो पापा के कपड़े। आज बसंत पंचमी है मेरे पापा, ये तो है जी बसंत पंचमी, हुन नाग पंचमी भी आने वाली है, नाग पंचमी आने वाली है, दूध पिलाना है, रेडी रहना आप लोग। नाग पंचमी में एक स्टोरी आई बड़ी अच्छी, पता नहीं बना पाऊंगी कि नहीं, पर नाग पंचमी को स्टोरी डाल लेंगे। कहते हैं नागन नु दूध पियाना, नहीं नहीं नाग को ठिस